नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स और साथ ही साथ सलमान खान के फैंस, अगर सलमान खान के लिए आप में है भरपूर प्यार तो ये खबर है आपके लिए। आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आने वाले 26 नवंबर को अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म अंतिम को लेकर थिएटर्स पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ ऑन स्क्रीन नजर आएंगे। फिल्म में सलमान खान ने एक सिख पुलिसमैन का किरदार निभाया है, जबकि आयुष शर्मा फिल्म में विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर हैं। फिल्म के सभी गाने और ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर अच्छा खासा बजट भी सामने आया है। खास बात यह है कि सलमान खान और आयुष शर्मा के इस फिल्म का टकराव एक्टर जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 से होने वाली है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों की टीम ने अपनी अपनी फिल्म के प्रमोशन में जान फूंक दी है। इस बीच सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे हर कोई हैरान है। फिल्म स्टार सलमान खान ने ट्वीट कर बताया है कि वो अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस से ही इस फिल्म को प्रमोट करने की अपील कर दी है। सलमान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, अब अंतिम के प्रमोशन का जिम्मा मेरे फैंस पर है। सीधे सीधे मैं अपने सीने पर ये भार उतार रहा हूँ। हमेशा आपको प्यार। सलमान खान का यह ट्वीट आप यहाँ देख सकते हैं। सलमान खान के इस ट्वीट से उनके चाहने वाले फैंस काफी परेशान हैं। इस बीच रिपोर्ट सामने आई है कि फिल्म स्टार सलमान खान अपनी टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 के वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड की शूटिंग भी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह उनकी नासाज तबीयत बताई जा रही है, जिसके बाद उनके फैंस में सलमान खान की तबीयत को लेकर चिंता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में भी ये भी दावा किया जा रहा है कि यह सुपरस्टार सलमान खान की स्ट्रेटजी है, जिसके तहत उन्होंने प्रमोशन का सहारा ना लेकर अपने फैंस से ही अपनी फिल्म को प्रमोट करने की गुजारिश की है। तो आखिर प्रमोशन ना करने के पीछे क्या कारण है, स्ट्रेटजी या फिर खराब तबीयत, ये तो आने वाले वक्त में इसका खुलासा हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।